नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अच्छी खुशखबरी है बिहार के लोगों के लिए। बिहार में अब 16 जून से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ये बड़ी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। इस अनलॉक 2 के दौरान बिहार में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, 16 जून से बिहार के लोगों को मिलेगी कई बड़ी छूट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 16 जून से बिहार में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण में आई तेजी से गिरावट के बीच बिहार में अनलॉक 1 की समय सारणी मंगलवार यानी 15 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जून से अनलॉक 2 को लेकर नए नियमों के साथ एक बड़ा ऐलान कर सकती है। बिहार में 16 जून से किस प्रकार की छूट दी जा सकती है, आपको बता दें, एक सप्ताह के अनलॉक 1 के बाद सोमवार को यानी आज अनलॉक 2 पर फैसला होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें धार्मिक स्थलों को छूट दी जा सकती है। इसके अलावा रेस्टोरेंट को भी 25 से 50% लोगों के साथ खाना खाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 50 की जा सकती है। संभावना यही जताई जा रही है कि नया आदेश 15 दिनों के लिए जारी रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के दुकान एवं प्रतिष्ठानों को रोज एक समय सीमा तक दुकान खोलने की छूट दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों को कुछ बंदिशों के साथ छूट मिल सकती है। स्कूल को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा, जुलाई में स्कूल शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। बिहार में 16 जून से किस तरह की छूट दी जाएगी, इसको लेकर सोमवार को यानी आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी। आपको बता दें, सरकार अनलॉक 1 से अनलॉक 2 के चरण में नियमों के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार अनलॉक 2 पर क्या फैसला लेती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।